सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय वीडियो अगेन। और आप देख रहे होंगे मेरे बाल थोड़े से छोटे हो चुके हैं, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहा था मैं बालों से। वैसे मुझे बड़े बाल रखने का शौक है, लेकिन अभी इस हेलमेट वेलमेट लगाने में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा लुक चेंज कर लिया जाए। और फाइनली गाइस, मैंने जैसा आपको पिछली वीडियो में बताया, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। उसके लिए थैंक यू सो मच। फैमिली कंप्लीट होने की खुशी में मेरे ब्रदर से मुझे एक गिफ्ट मिला है, तो वो क्या है चलिए आपको दिखाता हूँ। तो वो है ऑटो पावर्स का एल्बो और नी गार्ड। तो क्या है ये, कैसे हैं, मैं बताता हूँ आपको। होता ये है, अगर आपके पास, अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपने मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, राइडिंग स्टार्ट करी है या करना चाहते हैं, बट आपके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, खुद के लिए राइडिंग जैकेट नहीं है, तो आप इतना एक्सपेंसिव खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। डायरेक्टली 2-3 हज़ार का आप राइडिंग जैकेट बुलवाएं, 5 हज़ार तक का, इतना आपका बजट नहीं है, आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है आपके लिए। ये इसमें एल्बो प्लस नी गार्ड्स आ जाते हैं आपके दोनों पैरों, दोनों हाथों के लिए। इसको हम अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं ये कैसे हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो ये आता है कुछ इस तरीके के छोटे से पाउच में। तो पाउच थोड़ा सा मतलब लो क्वालिटी का पाउच है, बट अपने को पाउच से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस इसको रखने के लिए है। तो इसे खोलते हैं हम। तो इस तरीके से आपको 4 पैड्स देखने को मिल जाते हैं, 2 नीज़ के लिए, 2 एल्बोज़ के लिए, इस तरीके से। तो काफ़ी हाई, अच्छी, मतलब हाई क्वालिटी नहीं बोलूँगा इसे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसके प्लास्टिक हैं, हाई इंटेंसिटी जो झेल सके, मतलब उतने तो हैं कि अगर आप गलती से गिर जाते हो, रगड़ा जाते हो, तो आपकी एल्बोज और नीज़ को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। और काफ़ी कोशिश की गई है इसमें कि ब्रीदेबल रहें आपके, मतलब एयर वेंटिलेशन होता रहे। इसका मटेरियल ज़्यादा भी हार्ड नहीं है कि आपको एकदम सफोकेट होने लगे, ज़्यादा गर्मी लगे या ज़्यादा पसीना आने लगे। तो इस तरीके से इसके वेलक्रो स्ट्रैप्स आ जाते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर मिल जाते हैं एक, यहाँ पे आपको डिटैचेबल मिल जाता है, यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे आपको इस तरफ से वेलक्रो मिल जाते हैं, ताकि आप आपके नीज़ पे आराम से पहन के इसे टाइट कर सकें आपके अकॉर्डिंग। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि इस प्रकार से दिखते हैं, तो अब हम इसे पहन कर दिखाते हैं कि पहनने के बाद ये कैसे लगते हैं। सबसे पहले हम इसे पहनते हैं हमारे एल्बो पर। तो इसे हम इस तरीके से डाल लेते हैं यहाँ पर, हाथ अपना डाल लेते हैं इधर, इसे यहाँ ऊपर चढ़ाकर हम ये वाले वेलक्रो को कर लेते हैं टाइट कुछ इस प्रकार से। और ये वाले भी आप आपके अकॉर्डिंग टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया, हम दूसरा भी पहन लेते हैं। तो इस तरीके से आपके एल्बोस पे ये आ जाते हैं इस प्रकार से, आप देख सकते हैं कि जो एल्बो है आराम से प्रोटेक्ट हो जाती है, अगर गलती से आप गिरते भी हो इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो आराम से ये आपके आर्म, फोर आर्म्स को और एल्बो को आराम से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो नी गार्ड्स पहनने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, इस तरीके से जो वेलक्रो है आपको इसको चाहे तो डिटैच कर सकते हैं, और यहाँ से आप चाहें तो सीधा इनसे पैर डाल सकते हैं इधर, लेकिन मैं इनको खोल ही लेता हूँ। तो इसको खोल के यहाँ पे लगाना मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये हो गए पीछे से कनेक्ट। अब इसको, ये स्ट्रैप्स को इधर से ले के अपने अकॉर्डिंग आपको टाइट कर लेना। इस वाले को भी सेम हम इसी तरीके से, ये हो गया टाइट। तो दूसरा भी हम इसी प्रकार से पहनेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों आप आराम से पहन सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अब इसकी प्राइसिंग और क्वालिटी की। वैसे तो मुझे ये गिफ्ट में मिले, बट अगर प्राइसिंग की मैं इनकी बात करूं, तो ये आपको अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट मिल जाएंगे करीबन 499 और समथिंग 400 में। तो क्वालिटी की बात करूं अगर प्राइसिंग के हिसाब से, तो अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं आपको इस प्राइस रेंज में, काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। एक बस इसका माइनस पॉइंट ये लगा, जो इसके स्ट्रैप्स हैं, ये स्ट्रेचेबल स्ट्रैप्स हैं, प्लस इसका जो वेलक्रो है, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इनकी नहीं है। मतलब ज़्यादा टाइम तक इन्हें आपको चेंज करवाने पड़ सकते हैं आगे चल के, अगर इन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं आप, तो हो सकता है आपको चेंज करवाने पड़े।
चेंज करवाना कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप कहीं मार्केट में भी ये चीज़ें तो अवेलेबल हो ही जाती है, मतलब ये स्ट्रैप इलास्टिक्स तो मिल ही जाते हैं आपको मार्केट में, वेलक्रो भी मिल ही जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं 500 की रेंज में अगर आपको चाहिए। आप अगर राइडिंग करते हैं, आपको सेफ्टी के लिए अगर कम बजट में आपको अच्छे सेफ्टी गियर्स चाहिए तो आप बिल्कुल ये ले सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप लेना चाहें तो। तो गाइस यही था आज के वीडियो में, हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में हमें जो गिफ्ट मिला था हमने वो भी देख लिया, आपको भी दिखाया और काफ़ी अच्छा पसंद भी आया मुझे। मैं बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि मैं अगर राइड पे जाता हूँ तो मैं हर जगह मतलब मेरा राइडिंग जैकेट पहन के नहीं जा सकता हूँ, तो ये चीज़ मैं बिल्कुल पहन सकता हूँ, पोर्टेबल चीज़ है और मेरे पास सिर्फ राइडिंग जैकेट है अभी, राइडिंग पैंट्स हैं नहीं, तो मुझे एल्बो गार्ड्स की मतलब नी गार्ड्स की ज़रूरत थी ही, तो ये बिल्कुल मिल गए तो इन्हें तो मैं हर बार पहनने वाला हूँ। तो एक थम्स अप मेरे बड़े भाई के लिए, अनुराग के लिए, उनकी इंस्टा आईडी आपको यहाँ पर दिख रही है, आप चाहे तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपर का काम है, जर्नलिस्ट भी हैं। अगर आपकी भी कोई शॉप, बिजनेस या कंपनी है जिसके लिए आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का हैंडल यहाँ पर नीचे आ रहा है, आप इन्हें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनके कॉन्टैक्ट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के लिए। तो कैसे लगे आपको ये एल्बो गार्ड्स और नी गार्ड्स मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपका कोई मित्र हो जो लेना चाहता हो ये चीज़ें, जो ढूंढ रहा हो मार्केट में और बेस्ट क्वालिटी के इस रेंज में अगर नहीं मिल रहा हो तो उस तक ये वीडियो पहुंचा दो यार। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।